आपको पता है कि आपके घरों में जो चीनी खाई जाती है वो आखिर बनाई किस तरीके से जाती है? कुछ लोग बोलते हैं कि चीनी हड्डियों से बनाई जाती है, लेकिन किसान के खेतों से गन्ना लाकर उसके रस को बड़ी बड़ी मशीनों में, शुगर मिल में बहुत सारी प्रोसेस से निकाला जाता है, तब कहीं जाकर चीनी बनती है। तो चलिए देखते हैं चीनी की पूरी मेकिंग। अभी हम आए हैं अयोध्या की सबसे बड़ी शुगर मिल में और यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं चीनी किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले किसान अपने खेतों से गन्ना काटकर ट्रॉली में भरकर शुगर मिल में लाता है और उसके बाद इन गन्नों का वजन किया जाता है। वजन करने के बाद ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन की सहायता से सारे के सारे गन्ने अनलोड किए जाएंगे। पहले ये सारा काम मैन्युअली किया जाता था और इस काम को करने में घंटों लग जाते थे, लेकिन मशीन की सहायता से ये काम मिनटों में हो जाता है और एक दो मिनट के अंदर ये सारी ट्रॉली खाली भी हो जाएगी। और इसी तरीके से सारी की सारी ट्रॉली का गन्ना इस कन्वेयर बेल्ट पर अनलोड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से सारा गन्ना कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जाएगा कटिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाएगा बहुत बारीक तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कटिंग मशीन है, यहाँ से कट होने के बाद गन्ना इस हालात में बाहर निकल रहा है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाएगा इसका रस निकालने के लिए। गन्ने का रस निकालने का प्रोसेस शुगर मिल में भी वही होता है जो आपने स्ट्रीट वेंडर के पास देखा होगा, बस वहाँ पर पूरा गन्ना डाला जाता है, यहाँ पर कट करके डाला जाता है गन्ने को। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसे गन्ने के रस की बारिश हो रही है यहाँ पर। जब कटा हुआ गन्ना इन बड़े बड़े रोलर्स के बीच से निकलता है तो दबकर प्रेशर से उसका रस निकल जाता है। ये आप रस निकलते हुए देख सकते हैं। अब ये जो रस हमारा निकला है इसके अंदर फिर से कटा हुआ गन्ना डाल दिया है। अब ये कटा हुआ गन्ना फिर से रोलर्स के बीच से निकाला जाएगा और इसके अंदर जो भी रस रह गया है वो सारा का सारा निकाल दिया जाएगा। और ये प्रोसेस यहाँ पर 4 से 5 बार तक रिपीट किया जाता है, जब तक कि सारा का सारा कटा हुआ गन्ना पूरी तरीके से सूख न जाए और इसका सारा का सारा रस बाहर न निकल जाए। जो गन्ने का रस हमारा निकाला गया है वो वहाँ से आएगा इन कंटेनर्स के अंदर, जहाँ पर उसको स्टीम के साथ ट्रीट किया जाएगा। स्टीम से ट्रीट करने के बाद उसके अंदर सल्फर और लाइम मिक्स किया जाएगा। यहाँ पर सल्फर और लाइम मिक्स किया जाएगा। सल्फर और लाइम मिक्स करने के बाद उसको फिर से गर्म किया जाएगा स्टीम से, और जब ये गर्म हो जाएगा उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो हमारी गाद है वो नीचे रह जाए और जो प्योर रस है वो ऊपर आ जाए। अब जो गन्ने का प्योर रस बचेगा उसको यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा इवेपोरेटर्स में, जहाँ पर इसका पानी सुखाया जाएगा। अभी यहाँ तक हमारा गन्ने का रस है। इवेपोरेटर्स में जब इसका सारा का सारा पानी सूख जाएगा तो हमारे पास सिर्फ गन्ने का सिरप बचेगा। अब इस सिरप को आगे भेजा जाएगा चीनी बनाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गन्ने का सिरप है, जिसमें सल्फर और लाइम डालने के बाद सारी की सारी गंदगी निकाल दी गई है। अब ये गन्ने का रस यहाँ से जाएगा बड़े से कंटेनर्स के अंदर। यहाँ पर बड़े कंटेनर्स के अंदर 3 से 4 घंटे लगेंगे, तब जाकर गन्ने के रस में दाना पड़ेगा। और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चीनी के दाने पड़ चुके हैं। ये जो दाने आप देख रहे हैं छोटे हैं अभी, वो जो चीनी के दाने अभी तैयार हुए हैं वो यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं। ये जो गाज जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है ये चीनी है, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इस चीनी को साफ करने के लिए यहाँ से इसे आगे ले जाया जाएगा, जहाँ पर इसे 110 डिग्री टेम्परेचर की स्टीम के साथ ट्रीट किया जाएगा। गंदगी इसमें से सारी बाहर निकल जाएगी और बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के चीनी के क्रिस्टल्स बनकर तैयार होंगे। तो इतने घंटों की प्रोसेस के बाद जाकर हमारी चीनी बनकर तैयार हुई है, जो कि पूरी तरीके से प्योर है। जितनी भी चीनी हमारी बनकर तैयार हुई थी उसके छोटे बड़े सारे कण कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाले जा रहे हैं, जहाँ से ये आगे जाएंगे अगली मशीन में, जिसमें जो चीनी के बड़े कण हैं उनको कट करके नॉर्मल साइज में कर दिया जाएगा बाकी सारे कणों के जितना। अब हमारी सारी की सारी चीनी का साइज सेम हो चुका है। यहाँ से ये सारी चीनी जाएगी आगे कट्टों में पैक होने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा काम ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा होता है। ये हमारी चीनी कट्टे में फिल हो चुकी है, अब यहाँ से इसको सिलकर पैक कर दिया जाएगा। अब यहाँ से कट्टे पैक होने के बाद जाएंगे स्टोरेज के लिए। ये जो आप देख रहे हैं इनका स्टोरेज एरिया है, जहाँ से डिमांड के हिसाब से चीनी सप्लाई की जाती है।